गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस 6.4 क्वेश्चन नंबर 9 ऑन शॉपिंग ट्रिप। सिद्धार्थ बॉट अ पेयर ऑफ जींस फॉर रुपीज 250 and 35 पैसे, अ शर्ट फॉर रुपीज 195 and 75 पैसे एंड शूज फॉर रुपीज 495 and 99 पैसे। इफ ही हैंडेड ओवर रुपीज 1000 नोट टू द बिल डेस्क क्लर्क, ओके, हाउ मच चेंज शुड ही रिसीव? नाउ व्हिच थिंग्स द फर्स्ट क्राइटेरिया गिवन? सी, व्हाट ही नीड? अ पेयर ऑफ जींस। व्हाट ही गॉट? जींस, ओके, पेयर ऑफ जींस फॉर रुपीज 250 and 35 पैसे, ओके। शर्ट फॉर रुपीज, शर्ट फॉर रुपीज 195 and 75 पैसे एंड शूज फॉर रुपीज, शूज रुपीज 495 and 99 पैसे, ओके। सो ही बॉट जींस, शर्ट एंड शूज, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी हैव टू पे फॉर द शॉपकीपर, ओके। दिस थिंग्स ही बॉट, ओके। इफ ही हैंडेड ओवर, ही परचेज दिस थिंग्स एंड ही गेव हाउ मच रुपीज? हाउ मच रुपीज ही हैंडेड ओवर? रुपीज 1000 नोट, ओके। नाउ इन गिवन वी विल राइट ही हैंडेड ओवर हाउ मच रुपीज? रुपीज 1000, ओके। सो नाउ ही परचेज दिस थिंग्स, सो व्हाट वी डू? दिस थिंग्स विल ऐड जींस कॉस्ट, शर्ट कॉस्ट एंड शूज कॉस्ट वी आर गोइंग टू ऐड बिकॉज ही परचेज दिस थिंग्स, ओके। सो मच ही परचेज दैट वी हैव सी एंड देन ही हैंडेड ओवर एंड ही गिव 1000 रुपीज, ओके। नाउ सी ही परचेज जींस, शर्ट एंड शूज, थ्री थिंग्स ही परचेज, मींस फॉर दिस थ्री थिंग्स ही हैज टू पे द मनी, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग्स, यस, वी आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग्स बिकॉज ही परचेज दिस थिंग्स इन दैट शॉप, ओके। सो वी आर गोइंग टू ऐड, सो ऐड दिस प्लस प्लस रुपीज 495 and 99 पैसे, ओके। सो वी ऐड दिस, हाउ मच वी हैव टू पे टू द शॉपकीपर दैट वी शुड नो, ओके। सो वी हैव टू ऐड दिस थिंग्स, सो 5 + 5 = 10, 10 + 9 = 19, 1 इज कैरी, ओके। सो 9 + 7 = 16, 16 + 3 = 19, 19 + 1 = 20, so 2 is carry, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, 2 is here, 1 is carry, okay. 9 + 9 = 18, 18 + 5 = 23 and 1 = 24, okay. So 2 is carry, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, okay. So how much rupees? $942.09, okay. So what we have to do here?
0. So how much rupees we got? So how much change should he receive? How much change he received? He received rupees. He received rupees 57 and 91 paise. So 57 rupees and 91 paise he received. Let's solve question number 10. How much change would you expect from a rupees 50 note? If you purchase articles costing rupees 18 and 63 paise, rupees 59 paise and rupees 9 and 73 paise. Means suppose I purchase these articles, three articles I purchase, and what is the cost? These are the given cost for that article. So three articles I purchase, so these are the cost for the article. So I have to add that. How much I have to pay, that I should know. So and I give 50 rupees note. Okay. So how much I will get change? Okay. So for that what we do? Rupees. This cost we add. Okay. So add these. Plus. So now add this, okay. So 3 plus 9, 3 plus 9, 12. 12 plus 3, 12 plus 3, 15, okay. So here 1 is carry. 7 plus 6, 13. 13 plus 1, 14. Here 1 is carry, here give decimal point. So now 9 plus 5, 9 plus 5, 14. 14 plus 8, 14. Joseph ran a 100 meter race.
rupees. Okay. So from 10.057 subtract 9.968. Okay. So 7 minus 8 is not possible. So take borrow. So how much remain here? 4. 17 minus 8, 9. Now 4 minus 6 is not possible. So take borrow. Here. 40 minus 6.